हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, जावा लैंग्वेज सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूँ। और आज की ये वीडियो जावा की है। जावा लैंग्वेज में लूप को लेकर के काफी कंफ्यूजन है ना जी, ठीक है ना, व्हाइल लूप, ठीक है। तो व्हाइल लूप को लेकर के कंफ्यूजन है, तो आइए देखते हैं। यहाँ पर इंटेलिज आइडिया फेवरेट आइडिया है, आईडीई है हमारे लिए, तो इंटेलिज आइडिया आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, काफी अच्छा है। यहाँ पर फाइल पे जाना है आपको, और यहाँ से आपको आ जाना है प्रोजेक्ट पर। तो ये आ गए प्रोजेक्ट पर, और जैसे ही प्रोजेक्ट पर आएंगे आप तो ये इस तरह की विंडो दिखेगी। अब यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, ऊपर जावा है, जावा को ही सेलेक्ट रखिए। और अगर आप कॉटलिन यूज करना चाहते हैं तो कॉटलिन पे जा सकते हैं, लेकिन अभी जावा यूज करना है तो यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टिक करना है आपको, तो यहाँ से टिक कर दीजिए और फिर यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं व्हाइल लूप सिखा रहा हूँ, तो यहाँ लिखूंगा व्हाइल 12, ठीक है, ये लिख दिया, कोई नाम दे देंगे इसको, तो वाइल 12 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये पैकेज कॉम डॉट कंपनी, और ये बना हुआ ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अभी हमको करना क्या है, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, एक ही वैल्यू को बार बार रिपीट कराना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप। यहाँ पर लिखा हुआ है राइट योर कोड हियर, तो यहीं पे कोड लिखना चालू करते हैं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए इसमें एक सुविधा है, जैसे आपको पूरा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखने की जरूरत नहीं, खाली आप लिखिए स्मॉल में SOUT साउट, और यहां से टैब बटन प्रेस कर देंगे तो ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपने आप आ जाएगा। तो मान लीजिए कि आपको दो को रिपीट कराना है, ठीक है, पहले दो लिखना है, तो ये दो लिख दिया आपने। अब इसको यहां से रन करवा दीजिए, तो यहां पर रन पे जाएंगे और यहां से रन करवा देते हैं, तो देखेंगे कि जब ये प्रोग्राम रन होगा तो यहां दो प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, कैसे प्रिंट होगा ये दिखाता हूं। यहां देखिए दो प्रिंट होकर आ रहा है, क्लियर है। अब देखिए, अब मान लीजिए कि फिर आपको तीन भी लिखना है, तो यहां पर क्या करेंगे, SOUT साउट लिखेंगे और यहां लिख देंगे तीन, ठीक है। तो तीन लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर रन पे जाएंगे, यहां पे हो गया रन। अब देखिए, दो और तीन दोनों प्रिंट होकर आएगा ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा, तो देखिए ये दोनों प्रिंट होकर आ रहा है। अब मान लीजिए आपको चार भी लिखना है, तब क्या करेंगे, तो यहां पर आएंगे और यहां पर क्या करेंगे, फिर लिखेंगे SOUT साउट, ठीक है, और यहां पर लिख देंगे चार। तो ये कितने बार करेंगे, जैसे मान लीजिए आपको 500 तक गिनती लिखना हो, काउंटिंग लिखना हो, तो कैसे करेंगे, फिर तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए, रेपिटेशन के लिए लूप को यूज किया जाता है, बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है। तो आइए समझते हैं लूप कैसे यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करता हूं, जो हमने लूप यूज, हमको तो लूप यूज करना है, तो लूप यूज करने के लिए यहां पर इनिशियलाइजेशन कर देता हूं, ठीक है। तो इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे, इनिशियलाइजेशन यहां नीचे ही आकर के कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं आप, तो यहां पर नीचे ही मैं कर देता हूं। तो यहां पर इंट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूं, इंट यानी इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहां लिखूंगा INT, स्मॉल में लिखना है आपको, कैपिटल नहीं लिखना है। तो ये इंट टाइप का वेरिएबल बनाया, ए नाम से बना लिया हमने, ठीक है, ए नाम से बना लिया। और ए में क्या स्टोर करा दिया, मान लीजिए वन स्टोर करा दिया हमने, और इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करना माने कंपाइलर को, आपके इंटरप्रेटर को, कंपाइलर को ये पता चल जाता है कि ये लाइन खत्म हो गई, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे व्हाइल लूप। तो यहां लिखता हूं मैं व्हाइल, व्हाइल एक कीवर्ड है, ठीक है, WHILE, तो ये लिख दिया व्हाइल। और व्हाइल लिखने के बाद क्या करना है, व्हाइल लिखने के बाद आपको यहां पर देना है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे हम इसको 10 बार रिपीट कराएंगे, तो यहां 10 दे दिया है मैंने, ठीक है। तो ये 10 दे दिया, और 10 देने के बाद क्या करेंगे, यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे, ये ओपन कर लिया, लूप की बॉडी कर्ली ब्रैकेट से बनती है, ये तो पता ही है। यहां पर जब आएंगे तो अब हमें क्या करना है, यहां पे, यहां पर हमको प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए हम क्या लिखते हैं, साउट लिखते हैं, तो यहां पे देखिए ना आ गया है। तो अब यहां पर क्या देना है आपको, आपको डबल डॉट कोट्स नहीं लगाना है, डबल डॉट कोट्स लगाने पे ज्यों का त्यों वही चीज प्रिंट होकर आ जाती है। तो हमको यहां खाली क्या देना है, हमको यहां खाली देना है ए, ठीक है। अच्छा, यहां पे दिया हुआ है लेस देन और इक्वल टू, ये देखिए ना, यहां पे दिया मैंने लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। तो मैंने 10 तक चलेगा ये, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 से लेके 10 तक चलेगा। आइए देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर रन पे चलेंगे और यहां से इसको रन करवा देंगे, तो रन जैसे ही करवाएंगे तो यहां नीचे देखिए, नीचे रिजल्ट आ रहा है, देखिए ये 1111111 केवल 11 प्रिंट होकर आ रहा है, ठीक है। क्यों प्रिंट होकर आ रहा है 11, क्योंकि हमने अभी इसे इंक्रीमेंट नहीं किया, ठीक है। इंक्रीमेंट करेंगे तो ये और भी
वैल्यूज इसमें प्रिंट होकर आएंगी। इंक्रीमेंट कैसे करते हैं आइए समझते हैं। व्हाइल लूप में यहां पर इंक्रीमेंट होता है, जैसे व्हाइल लिख दिया आपने और व्हाइल लिखने के बाद यहां पर आएंगे और यहां पर ए प्लस प्लस कर देंगे, तो ये ए प्लस प्लस कर दिया तो ये हो गया इंक्रीमेंट। अगर डिक्रीमेंट करना है तो ये माइनस माइनस कर दीजिए, दोनों हो सकता है। ठीक है, अब यहां रन पे जाइए और यहां से इसको रन करवा देते हैं। तो रन करवाने पर देखिए क्या आता है, यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए काउंटिंग, ये यहां से देखिए काउंटिंग क्या आ रही है, आप देख सकते हैं इसको। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं, ये देखिए वन से ये तो ये देखिए यहां से ये स्टार्ट है, ये पुराना वाला प्रोग्राम है, ये यहां से स्टार्ट है आपका। ये देखिए ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यहां पर क्या दिया है लेस देन और इक्वल टू टेन, तो एट तक सेवन तक तो आपको दिख रहा है। अब आइए आपको दिखाता हूं, ये एट हो गया, ये नाइन हो गया और ये टेन हो गया। क्या टेन के बाद भी कुछ प्रिंट हुआ है, क्या नहीं प्रिंट हुआ है ना, तो ये होता है लूप, व्हाइल लूप। ठीक है।